हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों 80 और 90 के दशक में भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्री रही श्रीदेवी ने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में लगातार काम करते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरल स्टेट फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। वैसे तो श्रीदेवी अपने समय में सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन दोस्तों कुछ अभिनेता ही ऐसे हैं जिनके साथ लगातार उनकी जोड़ी बनती रही और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया। और आज हम आपके सामने उन 6 मशहूर अभिनेता का ही जिक्र करेंगे जिनके साथ श्रीदेवी की जोड़ी को देखा गया और सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, जितेंद्र। दोस्तों अभिनेता जितेंद्र के साथ श्रीदेवी पहली बार वर्ष 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला में नजर आई। इसके बाद लगातार उनकी जोड़ी जितेंद्र के साथ बनती रही। इन दोनों ने एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में 16 फिल्मों में काम किया। इन 16 फिल्मों में से 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों फिल्म हिम्मत बाला का गाना नैनो में सपना पर किया गया डांस श्रीदेवी के बेहतरीन डांसों में से एक है। नंबर 5, अनिल कपूर। दोस्तों श्रीदेवी की जोड़ी अनिल कपूर के साथ दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की। इस जोड़ी ने साथ में लगभग 13 फिल्मों में काम किया, जिसमें से मिस्टर इंडिया, लम्हे, जुदाई, लाडला, हीर रंझा, मिस्टर बेचारा, रूप की रानी, चोरों का राजा, राम अवतार और जावर जैसी फिल्में शामिल है। ये दोनों एक साथ सबसे पहले कर्मा फिल्म में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में श्रीदेवी की जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ बनी थी, जबकि अनिल कपूर पूनम ढिल्लों के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के बाद ही शेखर कपूर ने पहली बार इनकी जोड़ी अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया में बनाई। नंबर 4, सनी देओल। दोस्तों सनी देओल और श्रीदेवी ने साथ में 6 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिसमें चालबाज, निगाहें, जोशीले, राम अवतार, सल्तनत और मैं तेरा दुश्मन शामिल है। हालांकि मैं तेरा दुश्मन में इन दोनों का ही गेस्ट अपीयरेंस रहा था। अक्सर फिल्मों में किरदार हीरो के कहने पर हीरोइन को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों श्रीदेवी के कहने पर फिल्म चालबाज में सनी देओल को किरदार मिला था। हालांकि सनी इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो किरदार बहुत ही छोटा था। नंबर 3, ऋषि कपूर। दोस्तों हिंदी सिनेमा में इच्छाधारी नागनागिन के ऊपर कई फिल्में बन चुकी है, लेकिन जो सबसे सफल फिल्म मानी जाती है वो है श्रीदेवी और ऋषि कपूर के साथ फिल्म नगीना। ऋषि और श्रीदेवी के साथ में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा गाने पर श्रीदेवी के डांस को लोगों ने बड़ा पसंद किया था। ऋषि कपूर और श्रीदेवी एक साथ 6 फिल्मों में नजर आए थे, जिसमें नगीना के अलावा कौन सच्चा कौन झूठा, बंजारन, चांदनी, गुरुदेव और अगरजना शामिल है। इन दोनों की जोड़ी अंतिम बार फिल्म कौन सच्चा कौन झूठा में देखा गया था। नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की मुलाकात पहली बार वर्ष 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान के दौरान हुई थी। इसके बाद ये दोनों करीब आए तो तब खबर उड़ी थी कि इन दोनों ने साल 1985 में शादी कर ली है। हालांकि इस शादी से मिथुन चक्रवर्ती हमेशा इनकार करते रहे। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने एक साथ में 4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से वक्त की आवाज़, गुरु, वतन के रखवाले और जाग उठा इंसान शामिल है। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। दोस्तों श्रीदेवी अपने समय में सबसे बड़ी अभिनेत्री रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन भी अपने समय के सबसे बड़े अभिनेता रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने मात्र 3 फिल्मों में ही एक साथ काम किया है। दरअसल इन फिल्मों के बाद ही श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था। हालांकि इसके पीछे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी। तो दोस्तों आपको श्रीदेवी की जोड़ी किस अभिनेता के साथ सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।